78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुर के सैंडिस मैदान में मुख्य झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के श्रम संसाधन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी, जिसमें 10 पुलिस बल, गृह रक्षा वाहिनी, NCC, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों के साथ अग्निशमन दस्ता और CTS नाथनगर की बैंड पार्टी परेड में भाग लेगी। मुख्य समारोह स्थल पर सुबह 8:35 पर वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, आरक्षी उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर एवं आयुक्त भागलपुर प्रमंडल का आगमन होगा और परेड की सलामी ली जाएगी। इसके बाद मंत्री महोदय का आगमन होगा और उनके द्वारा परेड का निरीक्षण कर सलामी ली जाएगी। वहीं सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन होगा, जिसके बाद मंत्री द्वारा जिले वासियों को संबोधित किया जाएगा। समारोह में स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भागलपुर के सैंडिस मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में कुल 12 जवानों की टुकड़ियां परेड में भाग लेंगी, जो स्वतंत्रता दिवस की मुख्य आकर्षण होंगी। वहीं परेड का नेतृत्व प्रथम कमांडर संजय कुमार और द्वितीय कमांडर अंजलि द्वारा किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्लाटून का नेतृत्व अलग अलग कमांडरों द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में तिरंगा बांधने की व्यवस्था परिचारी रोशनी पटेल और हवलदार पीयूष प्रभुदास मिंज के द्वारा किया जाएगा और निरीक्षण वाहन चालक सिपाही अभय कुमार द्वारा चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष सिंह, मन्नू भाई सर्विस एक्सपर्ट का ओनर, समस्त देशवासियों, भागलपुर वासियों और बिहार वासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार आज ही के दिन आज़ाद हुआ था हमारा देश भारत, तो उस दिन से नित नए दिन हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और प्रोग्रेस करते गए हैं। उसी धारा में मैंने भागलपुर वासियों के लिए मन्नू भाई सर्विस सेंटर, घर पर आपको कैसे सेवा दी जाए सर्विस से रिलेटेड, और कुछ दिनों में कार सर्विसेज जो डिटेलिंग होगी, जो डोर स्टेप जाकर के आपको सर्विसेज देंगे, वो हम प्रदान करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हम लोगों के साथ हमेशा हर्ष और उल्लास का माहौल लेकर के आता है। सारे देशवासी इस दिन है ना शुभकामना और एक दूसरे को झंडा फहरा कर शुभकामना देते हैं। मैं भी अपने तरफ से फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद बना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे और भागलपुर हमारे साथ आगे बढ़ता रहे। मेरा जो भी योगदान होगा आप लोगों के लिए है, शहरवासियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, PRO ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप तमाम भागलपुर वासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ भागलपुर। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र विचार रखें, लेकिन अनुशासनशील भी रहें। और यह अनुशासन मैं खास करके बताना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटना में घायलों की जान चली जाती है। आप जब भी वाहन चलाएं, सभी नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुमन सौरभ, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, संगीता स्पीच एंड हियरिंग केयर, मुंदी चक भागलपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। फिर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर के निचले इलाके और नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। नाथनगर के दिलदारपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ के कारण लगभग 2000 लोग प्रभावित हो गए हैं। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाका दिलदारपुर गांव के ग्रामीण
जो पहले तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कैंपस में शरण लेते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उन्हें वहां रहने से मना कर दिया, जिसके बाद इस समस्या को लेकर दिलदारपुर के सैकड़ों ग्रामीण भागलपुर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे टिल्हा कोठी में शरण लेते आ रहे हैं और इस बार भी उन्हें वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी गयी। यहाँ आए हैं, घर में पानी सर हो गया है, भर छाती, टिल्हा कोठी आए, टिल्ला कोठी नीचे जमीन के अंदर ही आए रोड के साइड में, तो हम लोग खाना बनाए ईटा पर, खाना उल्टा दिया। कौन उल्टा है? डीसी का जो गार्ड है। क्या बोलता है? बोलता है कौन चीज नहीं भागिएगा ना तो लाठी चार्ज होगा, यहाँ से जाइए। इसके पहले भी बाढ़ आता था, कितने दिन से वहाँ पे टिल्ला कोठी पे आप लोग रहते थे? वही 15-20 रोज रहते हैं, पानी भाग जाता कितने है। साल से रहते थे? बहुत साल से रहते हैं, बहुत साल से साल रहते हैं सर। अभी कहाँ आए? अभी टिल्ले कोठी के नीचे आए, भगा दिया है रोड के नीचे। परेशानी है बाढ़ से, बाढ़ पीड़ित भर गया है। हम लोग आके वहाँ जान बचाने के लिए वहाँ टिल्ला कोठी पर आकर हर साल रहते हैं। जब पानी किस गांव से है? दिलदारपुर बिनटोले। जब भी हम आते हैं डूबता बाढ़ पीड़ित आता है तो हर साल रहते हैं टिल्ले पर, कहीं नहीं जाते हैं। इस बार क्या परेशानी? इस बार ही परेशान है कि बीसी वहाँ ऑर्डर दे दिया है गार्ड लोग को, यहाँ पर ठहरने नहीं दो, पन्नी टांगते हैं, पन्नी फारसी की बेच देता है, खाना बनाते हैं ईटा टीटा जोर के उसको लात मार के बेच देता है, लोहिया तोहिया फेंक देता है, यहाँ जा ढेर बोलेगा तो लाठी चार्ज होगा। हम लोग डर डर के कहीं सुरा रहे हैं, इसी पानी तनी कुछ नहीं टाने, इसी रोड के बगल में रह रहे हैं। कहाँ है? अभी अभी आए हैं डीएम साहब यहाँ। क्या मांग है यहाँ? क्यों यहाँ मांग है? यही कि हमको बढ़िया से रहने, कम से कम वहाँ सुविधा दबा दे, बढ़िया से हम रहे, और खाने पीने के लिए भी दिक्कत है, माल जाल के भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रहा है कि सोच से भी समय नहीं। सर अपना नाम बताइए। शंभू महतो। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से भागलपुर साहिबगंज NH-80 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे सबौर क्षेत्र में बड़े वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं घोसपुर से लेकर इंग्लिश मोड़ तक के रास्ते पर भी बाढ़ के कारण आवागमन में समस्या आ रही है, जिससे कहलगांव की ओर से आने वाले मुख्य मार्ग पर भी रुकावटें बढ़ गई है। भागलपुर 0 माइल से झारखंड के साहेबगंज तक जाने का एकमात्र मार्ग NH-80 ही है, जो अब बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं और सबौर थाना को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित मुख्य मार्ग पर लगातार पुलिस की निगरानी रखी जाए, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं हो। पुल बन रहा था, पुल समय पे बना या नहीं? समय से ज्यादा स्तर बहुत मौका मिला लेकिन नहीं बना पाया, इसी के कारण हम सबको इतना भुगतना पड़ रहा है। ये कब से सड़क पे पानी बह रही है? यही कल परसों से बह रही है। कितनी परेशानी हो रही है आने जाने में? बहुत परेशानी, देखिए रहे सर। अच्छा, तो ये जो पुल जो बना रही थी, कि पुल बनाने के वजह से नीचे डायवर्सन था, हाँ। वो डायवर्सन कट के जो है इसमें पानी आ गया बाढ़ का। पुल बन जाता तब दिक्कत नहीं होता। इसमें कौन दोषी होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? अब जो समझे, जो ठेकेदार कहिए या तो सरकार कहिए। सर हमको शौक है कि भागलपुर में हम रहे। अरे काम आपको कल का सीएम बना दिया जाए तो फिर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, हमको सीएम वो नहीं बनना ना, हम तो सामान्य नागरिक। नहीं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं सर, हमको भागलपुर में नहीं रहना है। आप भागलपुर के पदाधिकारी हैं सर, तो भागलपुर में तो आपको रहना ही है। बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि काम खत्म होगा जब तक उतने दिन के लिए हम यहाँ आए हैं ना। कंपनी को तो आपको जानकारी देना होगा ना। जैसे जनता आरोप लगा रही कि डायवर्सन बना था, डायवर्सन टूट के पानी आया, समय पे पुल नहीं बना। ये तो सबके सामने है, आग के सामने है, थोड़े है कि नहीं है। क्या नाम हो सर? अब छोड़िए ये सब नाम मत बोलिएगा, हम ऑथराइज नहीं। नमस्कार, मैं मनीष सिंह, मन्नू भाई सर्विस एक्सपर्ट का ओनर। समस्त देशवासियों, भागलपुर वासियों और बिहार वासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार आज ही के दिन आज़ाद हुआ था हमारा देश भारत, तो उस दिन से नित नई दिन हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और प्रोग्रेस करते गए हैं। उसी धारा में मैंने भागलपुर वासियों के लिए मन्नू भाई सर्विस सेंटर, घर पर आपको कैसे सेवा दी जाए सर्विस से रिलेटेड, और कुछ दिनों में कार सर्विसेज जो डिटेलिंग होगी, जो डोर स्टेप जाकर के आपको सर्विसेज देंगे, वो हम प्रदान करने जा रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस हम लोगों के साथ हमेशा हर्ष और उल्लास का माहौल लेकर के आता है। सारे देशवासी इस दिन हमें शुभकामना और एक दूसरे को झंडा फहराकर शुभकामना देते हैं। मैं भी अपने तरफ से फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद बना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे और भागलपुर हमारे साथ आगे बढ़ता रहे। मेरा जो भी योगदान होगा आप लोगों के लिए है, शहरवासियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, पीआरओ ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप तमाम भागलपुर वासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ भागलपुर। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र विचार रखें, लेकिन अनुशासनशील भी रहें। और यह अनुशासन मैं खास करके बताना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटना में घायलों की जान चली जाती है। आप जब भी वाहन चलाएं सभी नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुमन सौरभ, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, संगीता स्पीच एंड हियरिंग केयर मुंदीचक भागलपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। फिर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर ने सुल्तानगंज प्रखंड के कल्याणपुर दियरा के सैकड़ों परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बाढ़ के कारण कल्याणपुर दियरा का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, जिससे यहां के लोगों का आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। अब उनके पास टीन की नाव से ही आने जाने का एकमात्र साधन बचा है। कल्याणपुर दियरा के लोगों का कहना है कि हर साल इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन सरकार की ओर से उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाढ़ की इस मार ने लोगों की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया है और वे सरकार से तत्काल मदद की मांग कर रहे हैं। ये खतरनाक, यहाँ पानी की व्यवस्था, खाना के पीना बहुत तकलीफ। आप गाँव में मिल सावी या नहीं पिसा है? हाँ, खाना खाते है, लाभ मिलता है, इतना है वो डूब जाता है, डर लगता है। दबा पानी में जाता है तो लावे उनट जाता है, डर लगता है। हाँ, बच्चा डूब रात डूबल ना, छोरवा बच्चा देख लो नहीं, सब ऊपर होलो छे, डर लगता है। हाँ हाँ सर, तीन के लावा जोखिम। हाँ पूरा जोखिम में, हम वह आदमी हम मुँह छके सर, अखने इतना छो मुही से मुखिया जी लग सक्रिय। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मसदी पंचायत के शिवनंदनपुर गांव में दबंग धर्माबिंद ने सफाई कर्मियों पर कुदाल से हमला कर 4 सफाई कर्मियों को घायल कर दिया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी धर्माबिंद को गिरफ्तार कर लिया और घटना में घायल सफाई कर्मियों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में भर्ती कराया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी सुबह 9 बजे गांव की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान जब धर्माबिंद ने कूड़े का अंबार उठाने को कहा तो सफाई कर्मियों द्वारा हर घर से कूड़ा इकट्ठा करने की बात कहने पर धर्माबिंद नाराज हो गए और सफाई करने से मना कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की के बाद धर्माबिंद ने कुदाल निकालकर 4 सफाई कर्मियों पर हमला कर दिया। वहीं घायल सफाई कर्मी नबल मांझी, दशरथ ठाकुर, गुदो पासवान और हकीम बिंद को तुरंत रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्माबिंद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गयी है।